ओला अमिगोस, आई होप आप लोग ठीक हैं, आपके घर में सभी लोग ठीक हैं, आपके आसपास सभी लोग ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सासी ट्रैवलर। मैं हूं मोहित और आज मैं इस वीडियो में आपको त्रियोगी नारायण गांव यानी कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव त्रियोगी नारायण के बारे में और वहां पर बने हुए त्रियोगी नारायण भगवान के मंदिर के बारे में बताने वाला हूं। उस मंदिर की क्या विशेषता है और यहां पर आपको क्यों आना चाहिए, ये सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मैं बताता हूँ आप कैसे विजिट करते हैं इस गांव को और क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यह है सोनप्रयाग की पार्किंग और ये है यहाँ का बोर्ड एंड दिस इज द वे, ये रास्ता है जो कि ऊपर जा रहा है त्रियोगी नारायण के लिए। यह है रास्ता जो कि सोनप्रयाग से और त्रियोगी नारायण जो विलेज है वहां तक जाता है, जिसके द्वारा आप लोग त्रियोगी नारायण मंदिर विजिट करेंगे। मैं आपको जो एंड पॉइंट है वो आप दिखा चुका हूँ, यानी कि जहां से आप लोग इस रास्ते के लिए ऊपर चढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को अभी दिखा चुका हूँ, जो कि सोनप्रयाग से ऊपर की ओर आता है एंड काफी अच्छा रास्ता है, रोमांचक है। देखिए कितना अच्छा सुंदर पहाड़ है और आधा रास्ते से काटकर बनाया हुआ है, ये काफी अच्छा है। और ये देखिए कट कितना अच्छा हुआ है और काफी, अगर आप माउंटेन्स पर ड्राइविंग करना पसंद करते हैं ना तो आपको ये रास्ता काफी अच्छा लगने वाला है। कहीं ऊपर जाना है कहीं नीचे जाना है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी एडवेंचरस। अनएक्सप्लोर्ड है कि यहाँ पर मेरे को कुछ ही लोग देखने को मिले, यानी कि जब हम केदारनाथ आते हैं यानी जब केदारनाथ यात्रा शुरू होती है तब शायद यहाँ पर भीड़ भाड़ होती होगी, बाकी नॉर्मल टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते भी हैं। तो आप लोग अगर अलग से आना चाहते हैं तो आप अलग से भी आ सकते हैं यहाँ पर, और बाकी केदारनाथ आएंगे तो आप आ सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, सनराइज होते हुए, और ये है त्रियोगी नारायण विलेज। और मंदिर में शंख की जो ध्वनि है वो मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पीस है। सॉरी मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी हो रही होगी क्योंकि मैं अभी जस्ट सोकर उठा हूँ और इधर से सनराइज हो रहा है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये खेत, पहाड़ों पे खेती लोग करते हैं एंड मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक ऐसी जगह है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, लोग केदारनाथ आते हैं लेकिन यहाँ पर कई लोग बिना जाने और बिना उनकी नॉलेज के सिर्फ केदारनाथ से बद्रीनाथ या फिर चारधाम की यात्रा करके चले जाते हैं। तो दिस इज माय रूम और वॉशरूम भी क्लीन है एंड जो पानी यहाँ पर आता है वो डायरेक्ट रिवर से आता है एंड वॉशरूम वाज क्लीन एंड गीजर नहीं था, तो आपको जो गर्म पानी है, अगर गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको लेना पड़ेगा अलग से, 50 रुपीज़ आप एक बाल्टी का
ये लोग चार्ज करते हैं ले सकते हैं। और मेरे रूम से ये कुछ नज़ारा था। ये है केदार होटल, केदार होटल लिखा हुआ है, त्रियोगी नारायण जो कि इस गांव का नाम है। और ये था मेरा रूम, और इतना बड़ा एरिया है एंड पार्किंग भी यहाँ पर है। पार्क यहाँ मैंने गाड़ी साइड में करी थी, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से कुछ इशू होने नहीं वाला आपको, जो ट्रैफिक वगैरह है वो मिलेगा नहीं। एंड यहाँ से वो रास्ता है, ये मंदिर जाने का रास्ता, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। यह है गेट जहाँ से एंट्री होगी मंदिर की। और इधर से आप लोग आएंगे अगर आप नीचे से डायरेक्ट आते हैं तो। लेट्स गो इनसाइड। एंट्री करते ही आपको ये शॉप मिल जाएंगे जहाँ पर प्रसाद और जो पूजा की सामग्री है वो मिल जाएगी। अगर आप नदी का जो जल है वो ले जाना चाहते हैं उसके लिए केन वगैरह मिल जाएंगी। एंड जो वेदर है वो काफ़ी साफ हो रखा है आज, कल बारिश थी। लेट्स गो इनसाइड। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु ने भोले बाबा यानी कि भगवान शिव और पार्वती जी का जब विवाह हुआ था वो इसी मंदिर में कराया गया था, और सभी देवी देवताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और इस मंदिर में ही भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। और यहाँ पर हर जगह पर उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। जो यज्ञ उस समय जलाया गया था यानी कि जो अग्नि वहाँ पर प्रज्वलित की गई थी वो अग्नि आज तक इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। तो इस मंदिर की जो खास बात है वो यही है, इसी कारण यह मंदिर फेमस है। इस मंदिर के अंदर आपको भगवान विष्णु, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ आदि भगवानों की मूर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो जैसे ही आप लोग मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे आपको ये मिलेगा, ये है ब्रह्मकुंड, यहाँ पर आप लोग अपने हाथ पैर धो सकते हैं। यह है मंदिर जो कि केदारनाथ मंदिर जैसा ही है। और
अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग शादियाँ भी करा सकते हैं। ये है रुद्रकुंड, जहाँ पर आप लोग अपनी विशेस को मांग सकते हैं। और ये कुछ आगे है, यहाँ पर ये विष्णु कुंड है। और आगे है सरस्वती कुंड, और यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं। तो आप लोग इनकी अभी डिटेल्स हम लोग निकालते हैं और इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये है सरस्वती कुंड। अच्छा, ओके, मतलब नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं। ओम नमो नारायण करके आचमन किया जाता है। ओके, हाथ पेट के कुछ बीमारियों का वो हो जाता है उसमें, तो बीमारियां ठीक होती हैं। हाँ, चौथा सरस्वती कुंड है, वहाँ पर जिसके माता पिता सास ससुर गुजर जाते हैं वहाँ पर जोधपुर द्वारा तर्पण दिया जाता है। अच्छा, सरस्वती कुंड में तर्पण होता है। पार्वती जी का कन्यादान होता है। और जो शादियाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं? अंदर से भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती का दर्शन है, सप्तपति फेरे लगाए हैं। ओके, वही धोनी अखंड जलती है, तो उसमें हमेशा हवन होता है। और लकड़ी द्वारा पहले वो समय देवताओं की शक्ति द्वारा वो धोनी जलती थी, जब कलयुग का समय आ गया उसमें अग्नि कम होने लगी तो देवताओं ने ऋषियों ने उसमें मिलके लकड़ी चढ़ाना शुरू किया। तब से ये धोनी जो है लकड़ी द्वारा हमेशा जलती है, अखंड धोनी है। और उसी की जो भस्मी होती है वही मुख्य प्रसादी के रूप में घर पे ले जाती है। अच्छा, वो भस्मी ऐसी पवित्र चीज है, जैसे घर में बच्चों को किसी का नजर लग जाता है या कोई छल कपट होता है तो भगवान नारायण का नाम लेके उसका तिलक कर लो और छोटे बच्चों के मुँह में थोड़ा डाल लो, उसमें किसी का तंत्र मन नहीं चलता है। तो हम ले जा सकते हैं उसे? क्यों नहीं। अच्छा, तो वही तो मुख्य प्रसादी है या अच्छा, कोई आता मतलब वैसे प्रसाद के रूप में उसको अपने घर ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं। अच्छा, सबको घर में तिलक लगाया जाता है। अच्छा, समझे। ऐसे आप बोलेंगे ये सब हो रहा, वो कोई खाने की चीज तो है नहीं, आटा चावल नहीं है। आजी, आजी। वो प्रसाद है और भगवान का जो है मुख्य प्रसादी वही जाती है। वो मैंने आपको बताया कि जैसे घर में किसी का टोना टटना होता है, जैसे कोई नजर लग गई या टोना टोटका हो गया किसी के ऊपर, जादू टोना जहां हो रहेगा वो भगवान का नाम लेके उसका तिलक लगा लो, उसमें किसी का तंत्र पर नहीं चलेगा, लेकिन उसको सुरक्षित घर पहुंचना चाहिए। जैसे कहीं रास्ते में लैट्रिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व घट जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसको जैसे पवित्र रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, यही मुख्य चीज है। अच्छा, भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती का दर्शन है बस। अंदर मूर्तियाँ होंगी? हाँ, मूर्तियाँ हैं अंदर। अंदर का फोटो नहीं लिया जाता है, ठीक है, धोनी का ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अंदर का, ठीक है, ठीक है। नहीं, मंदिर के अंदर के गर्भगृह के तो फोटो वैसे भी नहीं लेने चाहिए। हाँ, मैं भी इस वक्त में नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि अगर तुम मंदिर के गर्भगृह के या किसी भी मंदिर के, केदारनाथ हैं या किसी भी कहीं भी, कहीं भी है, अगर आप खुद नहीं आ सकते भगवान से मिलने के लिए जिन्होंने आपको जीवन दिया है, तो वो बेकार है। अगर आपको वो भी वीडियोस में देखना है तो उसका कोई फायदा नहीं है, या फोटो देखना है तो। वीडियो में खाली फोटो देखना है। हाँ, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। ये है वो जगह जहाँ पर पार्वती जी का कन्यादान हुआ था। और यहाँ पर शादियाँ होती हैं। यह है वो जगह जहाँ पर शादियाँ होती हैं। अगर आप लोगों को शादी यहाँ पर करनी है तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैं लेने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी तरीके से मुझे मिल जाती हैं तो आप लोग यहाँ शादियाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत ही सुंदर शिव पार्वती जी की मूर्ति, जो कि काफ़ी पुरानी लग रही मेरे को, पत्थर से काट के इसको बनाया गया है। यह है अन्नपूर्णा मंदिर, जो कि मंदिर के बराबर में है। और यहाँ पर
ये जो धुनी है यहाँ पर इसका ही प्रसाद मिलता है। अंदर फोटोज नहीं अलाउड है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो आई विल नॉट टेक माई कैमरा इनसाइड। एंड ये यहाँ पर गणेश जी हैं और जो रक्षापाल हैं यहाँ के, उनका जो साइन है वो बना हुआ है, यानी कि इनकी मूर्ति यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के डिटेल्स हैं, एंड जो शादी के डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। तो प्रसाद के रूप में जो मिलेगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड अभी ये है एक मंदिर छोटा सा जो कि भगवान भोलेनाथ का है, और एक ये मंदिर है यहाँ पे जो कि बजरंगबली भगवान का है, हनुमान जी का। और ये यहाँ के इसके डिटेल्स जो कि बताए गए हैं। और यहाँ पर एक और छोटा सा मंदिर जो कि भगवान भोलेनाथ के लिए ही समर्पित है। काफ़ी सुंदर है, और जो मंदिर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो मंदिर की सेवा है वो यहाँ गांव के ही लोग करते हैं, ये बात मुझे अभी पता लगी। एंड देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ की सफाई कर रहे हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वही यहाँ पर सेवा पानी करते हैं जो भी होता है इनका, और उन्हीं की ड्यूटी होती है सारी चीज़ों को करने की, पूजा और जो अन्न यानी कि जो भोग लगता है उसकी भी व्यवस्था यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही करते हैं। ये माता अन्नपूर्णा का बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर पंडित जी हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि कैसे यहाँ पर शादी कर सकते हैं, वो डिटेल्स भी आपको लेके देता हूँ अभी। जी पंडित जी नमस्कार, है ना जी। मेरा नाम सर्वेशानंद भट्ट है और मैं यहाँ पे तीर्थपुरी समिति में सचिव भी हूँ और तीर्थपुरोहित भी हूँ। अच्छा, यहाँ पे शादी का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे तीर्थपुरी समिति में रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपका जो है स्थायी पता उसमें नोट किया जाएगा, आप ये लगो आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन जी। वेबसाइट नहीं है अभी। अच्छा। उसका फ्रंट साइड से और बैक साइड से आधार कार्ड का फोटो भेजना है आपको। अच्छा। उसमें नंबर लगा हुआ है, अध्यक्ष का नंबर। अच्छा, है वो कार्यालय जी, उपाध्यक्ष। अच्छा। का नंबर है, सचिव का नंबर है, उसमें आप किसी को भी अपना आधार कार्ड वगैरह भेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों को अभी देता हूँ वहाँ से लेके। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे शादी होती है वैदिक तरीके से, है ना। और जो है इसमें जो शादी में जो है दोनों तरफ से जो है गार्जियन का होना बहुत अनिवार्य है। अच्छा। मतलब लड़की के मम्मी पापा नहीं तो भैया भाभी। अच्छा। कोई भी मतलब गार्जियन होना चाहिए दोनों की तरफ से, ऐसा ना हो कि वो लड़का और लड़की आके यहाँ पे आ गए, कल के दिन पता चल कोई बवाल हो गया, है ना। तो ऐसा काम यहाँ पे नहीं होते है। हाँ, मतलब अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं ना तो वो पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स को लाना जरूरी है। पता लगा आप लोग खुद ही आ गए, अपने दोस्तों को ले आए, ऐसे नहीं होगा। पंडित लोग फंस गए तो बाद में, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है दोनों की तरफ से। पेरेंट्स अगर किसी के माता पिताजी ने डेथ हो रखी है तो भैया भाभी है, चाचा चाची कोई पेरेंट्स हो आ सकते हैं, है। और तब एकदम से जो है सिस्टम से होती शादी है तरीके से, मतलब प्रत्येक स्टेप होता है जो जैसे घर में होता है, जो हमारे कस्टम्स है हिंदू जो रीति रिवाज है उनको अच्छे से फॉलो किया जाता है। और जो भी पूजा का सामान है वो अपना लेना, अपना लेके आना, कुछ आप लेके आ सकते हैं, कुछ यहाँ पे तैयार जैसे तांबे का बर्तन है वो आप नहीं ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग घर से ला सकते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं अरेंज घर से। और बाकी आप अगर दूर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगी चीजें। चार छह कलश लगते हैं शादी में तो आप कहाँ लेके आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, है ना। जैसे बैठने की व्यवस्था है तो बैठने की व्यवस्था जो 1100 रुपए शादी जो होती है वो ये जगह है, मैं जस्ट बराबर में ही हूँ, यहाँ पर शादी होती है। अच्छा, मेन जगह वो पीछे, मेन जगह मैंने आपको अभी पीछे दिखाई थी वो है, उस जगह पे शादियाँ केवल नवंबर से अप्रैल तक होंगी। अच्छा, और अप्रैल से नवंबर तक शादियाँ यहाँ पे होंगी या यहाँ पे होंगी ना, आगे मंदिर के फ्रंट साइड में। अच्छा, कुंड के सामने। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये है वो पवित्र जगह जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी कराई थी भगवान विष्णु ने। इस शादी में सारे देवी देवताओं को, महर्षियों को और बड़े बड़े महापुरुषों को आमंत्रण दिया गया था। और यहाँ पर सारे देवी देवताओं के सामने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी कराई गई थी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये है त्रियोगी नारायण विलेज और मंदिर के ड्रोन शॉट्स। आई होप
आप लोगों को ये शॉर्ट्स पसंद आएंगे।